हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, आज आपको लग रहा होगा कि मैं अजीबोगरीब पोजीशन में क्यों खड़ी हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैं जो गाड़ी आपको दिखाने के लिए लाई हूँ ना, तो यूजुअली हमेशा मैं कार्स के ऊपर ऐसे हाथ करके फ़ोटो खिंचवाती हूँ, तो उसकी हाइट तक आने के लिए मुझे स्टूल की हेल्प लेनी पड़ी है, तब मैं यहाँ पर आके इतना कम्फर्टेबली खड़ी होकर आपको रिव्यू दे पाऊँगी। अच्छा, ये है हमारी हमर H2। गाड़ी आपने बहुत सारी बार देखी होगी, और जो मेन चीज़ आपको मैं दिखाने के लिए लाई हूँ, गाड़ी तो दिखाएंगे ही, उसके ऊपर बात करेंगे, जो मेन बात है वो है इस कार का इतना इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन। इस क्या कार में क्या क्या कराया गया है कि आपको ये कार कम मॉन्स्टर ट्रक ज़्यादा लग रहा है। वैसे ही हमारे बहुत ज़्यादा फेमस है अपने ह्यूज साइज़ के लिए, लेकिन इस अजीबो गरीब मॉडिफिकेशन के बाद तो ये गाड़ी कहीं से भी नहीं लग रही है, ज़बरदस्त मॉन्स्टर ट्रक लग रहा है। क्या क्या चीज़ें कराई गई हैं इस कार के अंदर कि ये रोड पर एकदम आउटस्टैंडिंग व्हीकल दिखाई दे, अब बात करते हैं उसके ऊपर। चलिए, मैं उतरती हूँ पहले नीचे, क्योंकि जहाँ से ये मॉन्स्टर ट्रक बना है ना, वो कहानी आपकी टायर्स से शुरू होती है। यार, अब इसके टायर्स देखिए, ओ माय गॉड, ये ह्यूज साइज टायर्स में यूज़ किए गए हैं। ये आपके टायर पंचर नहीं हो सकते, और हर टेरेन के लिए ये बनाए गए हैं। ऑब्वियसली यार, कहाँ तो फंसेंगे ये, कुछ फंसा वसा है उसे और निकाल लेंगे ये तो। और यहाँ पर जो रिम है ना, ये 16 इंच का यूज़ किया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे शॉकर्स हैं, और इस कार के अंदर पूरा लिफ्ट किट लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से कार को इस हाइट तक ऊपर उठाया गया है। नॉर्मल कार्स के अंदर हमारे सिंपल किट लगते हैं, लेकिन इसके अंदर तो फुल ऑन जुगाड़ किया गया है भाई, पूरा वेल्डिंग शेल्डिंग करके सब जोड़ वोड़ के, और तब इस गाड़ी को इस हाइट पर ऊपर उठाया गया है। और ये जुगाड़ इन द सेंस, ऐसा नहीं कोई टेम्प्रेरी जुगाड़ किया गया, ऐसा नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से और एक्सपर्ट्स के थ्रू की गई है, तो ये यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कार में हर चीज़ को बहुत फैबुलस तरीके से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। और जो सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है इसका मैट फिनिश। येलो कलर में यहाँ पे मैट फिनिश दी गई है, जो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत डिफरेंट कार को लुक देती है। और ये जो कलर होता है ना, ये हमेशा गाड़ी को बहुत आउटस्टैंडिंग सा बनाता है रोड पे। हर इंसान को, चाहे कोई छोटी गाड़ी भी होगी, आप मुड़ के ज़रूर देखोगे बिकॉज ऑफ दिस कलर, लेकिन भाई ये तो हमर है, तो वहाँ पर कंपैरिजन नहीं है। आइए फ्रंट में देखते हैं। फ्रंट से अगर आप बात करेंगे गाड़ी की, तो देखिए सबसे ऊपर जो लाइट्स है, वो भी आपका मॉडिफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पर ये इसको ओपन करने के लिए दिया गया है, हेलोजन हेडलैम्प्स है हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है इसके प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, लेकिन जो इसकी आप प्लेसमेंट देखेंगे ना फॉग लैम्प के, जो नॉर्मल गाड़ी की लाइट्स होती हैं, वो भी इसके कंपैरिजन में थोड़ी नीचे होती है, तो ये फॉग लैम्प भी इस कार के यहाँ पर दिए गए हैं। ये टो हुक है, और इस काम के लिए तो बेस्ट है भाई, बिल्कुल घसीट के ले जाएगी। और इनफैक्ट ये है कि जब दूसरी गाड़ी को ये टो कर रही होगी, तो पॉसिबिलिटी है वो गाड़ी इसके नीचे घुस जाए तो यहाँ पर ये भी एक चांस है। और नीचे देखिए, मोटे मोटे शब्दों में हमर मेंशन किया गया है, ताकि किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए भैया कि कोई मारुति की कार तो नहीं जा रही। दोस्त, ये है इसका रिफ्लेक्टर, नहीं 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 इंडिकेटर। ये गाड़ी इतनी बड़ी है ना, मेरा दिमाग ही चकरा गया, ऐसा बच्चे जैसा फील हो रहा है मुझे। खोलो खोलो, मुझे अंदर आना है। और ये देखिए, ये जो बोनट है ना भाई, ये इतना बड़ा, एक तो आगे आपको मैंने दिखाया, उसको उठा के ऊपर करने का ऑप्शन है, साइडों से भी खुलेगा ये, यहाँ से ये ऐसे ऊपर हो जाता है, तो मतलब साइड से भी आप इसे ओपन करेंगे और फिर ये पूरा उठा के आप निकाल लेंगे, मतलब ऊपर कर देंगे। ये है इसके ORVM, देख लीजिए कहाँ पर ORVM है, सब कुछ दिखाई देगा। छोटी मोटी गाड़ी को ही साइड में अगर चल रही है, उसे तो कुचल देगी ये गाड़ी। यहाँ पर H2 मेंशन किया गया है। अब देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, इसका स्टेप पैडल यहाँ दिया गया है। सी, आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसमें एक और देना चाहिए था यहाँ इनफैक्ट 2-3 दे देने चाहिए थे कि स्टेयर की तरह चढ़ के हम लोग अंदर चले जाएं, लेकिन पता नहीं भाई कौन इस पे चढ़ेगा इस तरीके से। और बाई चांस अगर ये अगर बाई चांस दरवाज़ा खुल गया तो काफ़ी रिस्की सा व्हीकल हो गया, सीढ़ी वगैरह शायद इसके अंदर होगी, देखते हैं अभी। और पीछे आइए, और यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक नहीं है, नहीं है मतलब है, ऐसा नहीं कि है, मतलब होता है, वो आपका दूसरी साइड पर दिया गया है। उस टैंक की कैपेसिटी यार, मेरे हिसाब से तो इस गाड़ी के लिए कम से कम 1000 लीटर तो इसमें होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मली फ्यूल इसमें आता है। और एवरेज की अगर बात करोगे, तो देखो नॉर्मल हमर हम लोग बात करते हैं 1 या 2 की एवरेज देती है, इसमें इतने टायर वायर लगा के मेरे ख्याल में तो माइनस में एवरेज दे रही होगी, नो आइडिया। और भाई ये टायर, ये क्या चीज़ है इस कार का रिव्यू मेरे लिए तो मतलब
माइंड मेरा ब्लास्ट हो चुका है, आइए पीछे, ये देखिए मैं यहाँ पे छोटी सी खा रही हूँ इतनी यार आज ना मुझे अपनी ना हाइट बड़ी कम फील हो रही है, मतलब कम से कम इस गाड़ी के लिए आप 10 फीट के होने चाहिए, फिर तो आप पूरा डोमिनेंस के साथ ऑपरेट करोगे इसे, अदरवाइज तो आपको बहुत छोटा फील कराएगी ये गाड़ी। यहाँ पर देखिए इसमें टोइंग हुक दिए हुए हैं, अब देखिए इस गाड़ी में टो हुक बहुत सारे दिए हैं, आगे भी दिए हैं पीछे भी दिए हैं, ये बात तो समझ आती है कि ये तो बहुत आराम से टो कर लेगी, इसे किसी को टो करना पड़ गया उस गाड़ी की धन्नो लग जाएगी, वो गाड़ी जिंदा नहीं हो सकती दोबारा। यहाँ पर हमर लिखा गया है, ये आप इसकी हेल्प से इसके बूट को ओपन करते हैं, वाइपर है, ये डिफॉगर दिया गया है इसमें, और ये आपके ऊपर बैक लाइट्स हैं, ये इसका टेल लैंप है जिसके अंदर बल्ब दिए गए हैं। और एक और चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप बूट ओपन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये गाड़ी ऑन नहीं होनी चाहिए, अगर ये ऑन है तो देखिए एग्जॉस्ट कहाँ है इसका फेंक के मारेगा आपको पता नहीं कहाँ पे। तो गाड़ी जब आपकी ऑफ हो तब एक सीढ़ी मंगाइए, फिर उसके ऊपर चढ़िए और फिर इसके अंदर जाइए, ठीक है। तो चलो दोस्त अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में, आप मुझसे थोड़ा दूर हो जाइए, इस टाइम मैं ओ भाई साहब बहुत अच्छा खासा भारी डोर है इसमें, डोर ही देख लीजिए, पहली करेक्टरिस्टिक ह्यूज साइज है ये कार, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है भैया, गाड़ी का साइज़ तो स्टैंडर्ड ही है, वैसे ही हमारे बहुत ह्यूज होती है। ये आपके पास जो दिया गया है ये लॉक अनलॉक के लिए है, ये आपका ट्विटर है, यहाँ पर आपका ये देखिए म्यूज़िक सिस्टम सेटअप है, ये आपका एम्पलीफायर है और यहाँ पे बहुत पावरफुल म्यूज़िक सिस्टम का यूज़ किया गया, देखिए धक 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 धक, ये आपका अंदर से आपको कार अगर खोलनी है तो आप इस हैंडल को इस तरीके से अपनी तरफ पुल करेंगे, ये ग्रैब हैंडल है जिसकी सख्त ज़रूरत है इस टाइम पर मुझे, यहाँ पर कुछ नहीं है क्या, बहुत गाड़ियों में मैं बोलती हूँ आपको कि मुझे बहुत डोमिनेटिंग फील हो रहा है, इसके अंदर आपको अल्ट्रा लेवल डोमिनेंस फील होगा रोड पे, ऐसा लगेगा सबको कुचल सकते हो, बस तुम ही सब कुछ हो ज़बरदस्त। कार के म्यूज़िक सिस्टम की मैं बात कर रही थी तो देखिए इसका सिस्टम का सेटअप, बहुत पावरफुल म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है और ये मॉडिफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पर अगर हम म्यूज़िक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो देखिए हर डोर पे आपका एम्प लगा हुआ है स्पीकर के साथ, और यहाँ पर इसका ये वूफर प्लेस किया गया है, सी द साइज अमेजिंग। फ्रंट में आपके एसी वेंट्स दिए गए हैं, उसके नीचे आपके पास इंफोटेनमेंट के कंट्रोल दिए गए हैं, दोनों आपके पास वेंटिलेटेड सीट यहाँ पर दी गई है, बीच वाले का कोई ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि आप उसमें भाई साहब ये कुछ ऐसे करके निकलता है, मतलब ये नीचे है तो आपको इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, एंड हेयर यू गो, यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज है और आपके पास ट्विन कप होल्डर की जगह दी गई है, और ये आपके पास दो टाइप सी पोर्ट दिए गए, छोटा सा स्टोरेज यहाँ पे है। तो फ्रंट प्रोफाइल की आप बात करेंगे तो देखिए हमर तो बहुत सालों से डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस है गाड़ी अपने लुक्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, इसका वो देखिए लिवर, वो बिल्कुल आपको ऐसा फील देगा कि भैया बस जस्ट अभी प्लेन उड़ने वाला है, और जिस तरीके का प्रोफाइल और जिस तरीके का मॉडिफिकेशन इस गाड़ी का किया गया है उसके बाद तो सीरियसली आपको ऐसे ही लगेगा प्लेन में ही उड़ रहे हो। और यार आप सोच रहे होगे मैं पीछे बैठे बैठे आपको क्यों सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि भाई इतनी मुश्किल से तो मैं पीछे चढ़ी हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि दोबारा इस मॉन्स्टर ट्रक से नीचे उतरूँ फिर दोबारा आगे से ऊपर चढ़ूँ, तो वहीं से समझ जाओ, वहीं से सारी चीज़ आपको दिखा दी मैंने, देखो वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने, उसके अंदर सारी रीडिंग्स आपको दिख रही है, RPM है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल व्यूल सब है, ये इसका स्टेयरिंग है, हमर लिखा हुआ है बीच में, कंट्रोल्स दिए गए हैं इसमें, और अंदर से भी काफ़ी अच्छी लग रही है, अपनी एज के हिसाब से काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन किया गया, अच्छे इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं, और इंडिया का मुझे पता नहीं लेकिन यस ये जो गाड़ियां हैं इस टाइप की कार्स ये दुबई वगैरह जैसी कंट्री में काफ़ी कॉमन है, बहुत लोग शौकीन होते हैं उन गाड़ियों को ख़रीदते बहुत हैं। तो दोस्त ये थी हमारी मॉन्स्टर हमर H2, अमेजिंग कार है ये, सुपर फैबुलस कार है ये, डिसकंटिन्यू किस लिए किया है कंपनी ने मुझे पता नहीं है, वैसे कोई सेंस नहीं है क्योंकि हमर को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मेन रीज़न इसकी एवरेज हो सकती है क्योंकि गाड़ी की एवरेज कभी से भी कुछ भी नहीं थी, हमेशा एक या दो की एवरेज ये गाड़ी देती थी, और अगर इस टाइप की आप मॉडिफिकेशन कराते हैं अपनी कार में, जो लोग कराते हैं और जो शौकीन होते हैं वो ज़रूर कराते हैं, वो इतना पैसे वगैरह को बॉदर नहीं करते, तो वहाँ तो एवरेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अगेन वो प्रूव करते हैं कि शौक बड़ी चीज़ है, तो वही एक शौक है जो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में हमारे सामने खड़ा है, एंड येस नो डाउट वेरी नाइस कार और बहुत अच्छी दिख रही है ये। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लव यू ऑल, बाय।